हेलो हेलो एवरीवन, आप लोग से एक ज़रूरी बात करनी थी। इसलिए हम और अभिषेक सर एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं मूवीज़ क्लासेस यूट्यूब में, ठीक है। उसमें कुछ आप लोग को सजेशंस भी देना है, कुछ समझाना भी है और कुछ क्लासेस के बारे में बात भी करनी है सर, तो कुछ बोलिए। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हमारे क्षेत्र में आई मीन हमारे क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे देश में पूरे विश्व में COVID-19 जिसको हम लोग कोरोना वायरस के नाम से जान रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। बहुत सारे केसेस देखने को मिले हाल ही में। मैं आज की बात बताता हूँ। आपको बाढ़ का क्षेत्र पता होगा। बाढ़ क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस के पास ही दो कन्फर्म केसेस मिले जिनका पॉजिटिव ये वेरीफाई हो चुका है कि वो COVID-19 जिसको कोरोना हम लोग बोल रहे हैं उससे वो पीड़ित है। तो होप्स हो सबसे पहले आप सभी लोग ठीक हों और आप लोग ठीक रहें भी, किन्हीं को भी इस तरह के वायरसेस का कोई इफेक्ट ना पड़े, आप लोग पूरी तरह से सेफ हो। आज जैसा कि हमें और राहुल सर को बहुत सारे कॉल्स भी मिले, कुछ पेरेंट्स के सजेशन मिले, कुछ पेरेंट्स के ज़रिए हमें कुछ बच्चों के कंप्लेंट्स भी मिले। जैसा आप सबको पता है कि एजुकेशन बोर्ड आपके स्कूल काउंसिल ने क्या करा है कि सारे जितने भी एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उन सबको पोस्टपोन करा, कुछ देर के लिए रोका है। कंफर्म नहीं, कुछ स्कूल्स एग्जामिनेशंस ले रहे हैं तो कुछ लोगों ने पूरी तरह से ये कैंसिल करके भी कर रोक दिया, दिया। कैंसिल कर दिया है ताकि वो उनको प्रीवियस जो भी असेसमेंट्स हुए हैं उनके अकॉर्डिंग वो उनको प्रमोट करेंगे। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो बच्चे को पढ़ने के लिए बोलते तो उन्होंने बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी जवाब मिला है उनके पेरेंट्स को कि अब अभी तो सेशन तो एंड है, सेशन एंड हो अब गया, क्या अभी सब बचा, कुछ क्या पढ़ है लिया, अब अब पढ़ें बचा क्या। क्या है, और या फिर एग्ज़ाम्स भी नहीं होने वाले तो पढ़ना क्या है। ये एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है कि मूवीज के स्टूडेंट की तरफ से, आई मीन जितना उन लोग पे मेहनत किया जाता है क्लास में उस तरीके से रिस्पॉन्स वो सही चीज़ नहीं है। आप अपने पेरेंट्स से उस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। और मैं पर्टिकुलरली किसी स्टूडेंट का नाम नहीं लूँगा, बस मैं एक सजेशंस के रूप में यहाँ पे बता दे रहा हूँ। और मुझे पता भी है वो कौन ऐसे स्टूडेंट हैं या कौन ऐसे बच्चे हैं जो इस तरीके से अपने पेरेंट्स से बिहेव कर रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको, जैसा कि ग्रुप में मैसेज डाला गया था कुछ दिन पहले कोचिंग बंद करने का, तो उसमें मैंने एक मैसेज भी डाला था कि आपके लिए लाइव क्लासेस या वीडियो सेशंस के माध्यम से कुछ क्लासेस लाए जाएंगे। तो हम लोग ने डिसाइड किया है कि कल से आप लोग के लिए कुछ क्लासेस अरेंज हो, आई मीन कुछ नहीं, हर दिन एक क्लासेस अरेंज हो, वीडियो क्लासेस, जिसमें आप अपने घर से बैठ करके वो क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। क्लासेस जो होंगी शॉर्ट ही होंगी, आई मीन 20 मिनट्स की लगभग क्लासेस होंगी आपकी, 20 से 25 मिनट्स, और उसी से रिलेटेड आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। और वो होमवर्क आपको क्या होगा, आपको बना करके अमन विद इन एक सर्टेन पीरियड, एक ए सर्टेन सर्टेन टाइम पीरियड, आपको दिया हाँ जाएगा उसमें कंप्लीट करना। वो हमने सर्टेन सबसे पहले ये टाइम सोचा में था कि आपको, आपके हाँ वीडियोस को लाइव रखा जाए, पर आप सबको पता है कि अभी सब आप लोग मीन्स वैसे बच्चे जिनके पास अपना पर्सनल फोन नहीं होता, होप अभी आप सो लोग अभी बहुत हो भी छोटे नहीं, हैं। इट्स गुड। तो जो लोग भी पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है फ़ोन के लिए तो उनको वैसे केसेस में ये प्रॉब्लम देखने फेस करने को मिल सकता है कि अभी हमने वीडियो लाइव कर दिया और बच्चे के पास फ़ोन नहीं हो, मतलब किसी भी रीज़न से, चाहे या तो वो आपके पेरेंट्स किसी काम से बाहर निकल गए हो या तो कोई भी दूसरी वजह, टेक्निकल इशू। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हर क्लास का सेपरेट एक वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट का बना दिया जाएगा और उन सभी वीडियोस में हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके कोर्स कंटेंट को कम्पीट करें। से हम लोग मैक्सिमम हर एक क्लास के लिए एक वीडियोस, इवन वो साइंस का पेपर हो, इवन वो मैथ का पेपर हो, इवन वो आपका सोशल का पेपर हो और इवन वो इंग्लिश का पेपर हो, सारे पेपर्स के लिए सेपरेट आपको वीडियोस मिल जाएंगे। सारे पेपर्स के एक दिन नहीं मिलेंगे, हर एक दिन किसी एक सब्जेक्ट का मिलेगा और उसी के लास्ट में आपके लिए असाइनमेंट वर्क भी होगा ताकि वो आप कंप्लीट करें। और जो लोग इसका पूरी तरह से नेग्लेक्शन करें या फिर इग्नोर करेंगे उनके पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा सा हम समृद्ध लोग की तरफ से एडवाइस, रिक्वेस्ट है, एडवाइस समझिए कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करें और हम लोग ऑलरेडी इन्फॉर्म करेंगे आपको कि अगर उनका वीडियो वो जो असाइनमेंट है उन्होंने वो सबमिट करा है या नहीं करा, तो उसके लियापन पनिश करिए उनको, ज़रूरी है, प्यार तो ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप अगर ये नहीं करेंगे तो फिर बच्चे मीनू बिगड़ जाते हैं। जैसा कि अभी टाइम ये है कि अभी 31 तक तो ऑर्डर है बंद करने का, केस है कि आगे आने वाले समय में जिस तरीके से स्प्रेड कर रही है, तो हो सकता है ये आपका, आपकी लीव जो है वो और एक्सटेंड हो जाए, आई मीन अप्रैल की कुछ मंथ्स तक, अप्रैल के कुछ डेज तक चली जाए।
तो ना जाए इसके लिए, मतलब वैसा ना हो आपकी कंटिन्यूटी क्या होगी, स्टडीज से ख़त्म हो जाएगी, तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे उसके लिए ये चीज़ रिदम बाई ये क्लासेस को अटेंड करना ज़रूरी है, और ये करवाना भी हम लोग के लिए ज़रूरी है ताकि आपका एक रिदम बना रहे। रिदम छूटने से क्या होगा, पढ़ाई से मन छूट जाएगा, फिर उसके बाद जब आप कुछ महीने बाद आप स्कूल जाओगे, कोचिंग जाओगे, तो टीचर्स अपने सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए फास्ट एंड फास्ट पढ़ाएंगी, और जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा आपके पास, आपका कुछ आइडिया नहीं रहेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक प्रमोट हो गए, नए क्लास में आप जाओगे तो उसका आइडिया नहीं रहेगा, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो ये अभी से ही आपको छोटा छोटा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, और हाँ आपकी जो क्लासेस जो होंगी, जैसे मान लीजिए जो बच्चे अभी फाइव में हैं वो फाइव में ना काउंट होकर के सिक्स में काउंट होंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रमोट हो जाएंगे, क्लासेस अप हो जाएंगे, सिक्स वाले सेवन में, सेवन वाले एट में, एट वाले नाइन में, नाइन वाले टेन में। तो उसी के हिसाब से एक आपका हर क्लास का सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, तब तक जब तक आपका ये कोरोना वायरस वाला लीव चल रहा है, एक सेपरेट ग्रुप बनाया जाएगा। हर ग्रुप में आपका क्या होगा, उसी ग्रुप में आपका वीडियो का लिंक और उसमें आपका होमवर्क सारा आपको दिया जाएगा, ताकि आप उसको बना करके और उसी ग्रुप में आपको वो होमवर्क सेंड करना है। व्हाट्सएप पे आप फोटो खींचेगा अपना, जो कॉपी पे होमवर्क बनाइएगा, डेट मेंशन होना चाहिए, और उसी को क्लिक करके आपको भेजना है, और उसी पिक को हम लोग पिक पे चेक करके आपको साइन करके, डिजिटली साइन करके आपको वापस सेंड कर देंगे कि आपका गलत क्या है, रॉन्ग क्या है, कहाँ पे सीखे नहीं सीखे। होमवर्क आपका ज़्यादा नहीं रहेगा, बात करें अगर जितना पढ़ाया गया, मान लीजिए 20 मिनट या 25 मिनट का क्लास हुआ, तो उससे रिलेटेड तीन चार पाँच क्वेश्चन इसी तरीके से मिलेंगे बस ये, ताकि आपका एक आप एक दिन में कम से कम वन एंड हाफ एन आवर, डेढ़ से दो घंटा आप इंगेज रहें। ऐसा ना हो देखिए खेलने के लिए और मस्ती करने के लिए सारा ज़िंदगी पढ़ा है, सारा डे भी पढ़ा है, बट आप उसका उसमें से कुछ एक डे में से कुछ आवर्स आप निकाल लेते हैं अपने स्टडीज़ के लिए, तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो जैसा कि आप लोग को बताएं, ग्रुप बन जाएगा आप लोग का सेपरेट, ठीक है, होमवर्क उसमें दिया जाएगा, और एक काम, आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग अपने इस स्पेसिफिक सेशन जो आपको छुट्टी का चल रहा है, इसके लिए आप एक सेपरेट कॉपी कर लीजिए, और उस कॉपी के जब कभी आप होमवर्क सबमिट करेंगे, वहाँ ऊपर आपका नेम, आपके पेरेंट्स का नाम, और आप अपना क्लास ज़रूर मेंशन करेंगे साथ में डेट, ताकि ये मुझे पता चले कि वीडियो, ये जो फोटोज़ मुझे मिल रही है, ये जो हम लोग को होमवर्क्स मिल रहा है, ये किस पर्टिकुलर बच्चे से बिलोंग करते हैं, इस भी बात का ध्यान रखें। और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप सब लोग आप लोग को क्लास करना कंपलसरी है, हम तो ये भी नहीं बोलेंगे कि मन है तो देख लीजिए, इस तरह का वर्ड नहीं यूज़ करना चाहेंगे, बिकॉज हम लोग जितना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं, एक्स्ट्रा व्हाट्सएप वीडियो जनरेट करना और आपके लिए वो करना, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको उस वीडियो को वॉच करना है, उससे आपको समझना है, वही कॉन्सेप्ट वैसे ही थ्योरी आपको दिया जाएगा जैसा कि आपको क्लासरूम में मिलता था। फ़र्क ये है कि वहाँ पे हम आपके सामने थे, यहाँ पे हम आपके सामने नहीं होंगे, वो वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा, और चीज़ों को ज़्यादा लेंदी करके, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में जा करके भी आपको नहीं पढ़ाएंगे, ताकि आपको ऐसा ना कुछ कन्फ्यूजिंग रह जाए। अब रही कि कुछ बच्चे ऐसे भी बोल सकते हैं सर डाउट्स रहा, तो डाउट्स के लिए व्हाट्सएप पे वॉइस वाला सिस्टम आपका दिया हुआ है, जब भी कोई ऐसा जो भी सब्जेक्ट का डाउट होगा आप अपना वॉइस में या आप व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के भेज दीजिए, सर इस चीज़ में डाउट है, आपको इंस्टेंट आपका डाउट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को उसी माध्यम से देखिएगा जिस माध्यम से मैं समझाना चाह रहा हूँ, सब अटेंटिव रहिए, ज़्यादा नहीं हाफ एन आवर या डेढ़ घंटा मैक्स, ठीक है, वीडियो और होमवर्क को लेकर के, ज़्यादा तो होमवर्क मिलेगा नहीं, तीन चार पांच क्वेश्चंस मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के, तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग को काम करना है, वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, यही बात आपको समझानी थी। एक चीज़ और, पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, मस्ती भी ज़रूरी है, जैसा कि वायरस तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है, तो एक सजेशंस हम देना चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा गैदरिंग में ना जाए, फ्रेंड्स के साथ होता है ना कि राउंड ऑफ करने के लिए निकल गए इधर उधर, ठीक है, तो वहाँ ना जाए, मतलब ज़्यादा गैदरिंग में नहीं रहें, अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, और मास्क का वगैरह यूज़ कीजिए, बिकॉज आपको पता है, और ऊपर से एक और बात बताना चाहूँ, मास्क के साथ साथ सैनिटाइज़र्स आप घर में सैनिटाइज़र रखिए, हैंड वॉश उससे रेगुलर करते रहिए, सेफ़ रहना भी ज़रूरी है, पहले हेल्थ है तभी कुछ है,
बाकी फिर आपको कल से आपकी सारी क्लासेस मतलब स्टार्ट हो जाएंगी, तो कल से आपको वीडियो वन बाय वन यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी। आपको यूट्यूब पे जाना नहीं होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जो हम आपका सेपरेट ग्रुप बनाएंगे, कल ग्रुप बन जाएगी सबकी, और वो सेपरेट ग्रुप में उस वीडियो जैसे ही बनेगी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। वीडियो बनने के बाद कुछ ही घंटे में 3 to 4 या 5 आवर्स में आपको ये आपका होमवर्क आपको सबमिट करना होगा। ऐसा नहीं कि आज हम वीडियो अपलोड किए आप 3 दिन बाद होमवर्क सबमिट कर रहे हैं, तो ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये तो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर वीडियो आज आज आपको मान लीजिए कि कल मैंने वीडियो बनाया, ठीक है, और वो 12 बजे अपलोड हो गई, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि 4 से 5 बजे तक इवनिंग तक या 6 बजे तक मैक्स आप उसका होमवर्क आप सबमिट कर दें, क्योंकि ऐसा आपको होमवर्क नहीं दे रहे हैं कि आपको 3-4-5 घंटा बैठना पड़ेगा और इस तरीके से आपको जो चीज़ समझाया जाएगा बस उसी से रिलेटेड आपको होमवर्क रहेगा। ये नहीं कि समझाएंगे कुछ और आपको होमवर्क देंगे कुछ, ठीक है। तो ये बस इसलिए है ताकि आपका बेसिक हर आपके जो क्लासेस हायर क्लासेस में जाओगे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिल सके, ठीक है। तो इतना ही कुछ बोलना था, तो ध्यान रखिएगा और अपना, और कल से क्लासेस को अटेंड कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।